बढ़ते हैं। खबर एमपी से है, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा का पीछा करते हुए कांग्रेस ने भी अब पोल खोल जन जागरण यात्रा की शुरुआत कर दी है, और जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष कुलार चौधरी और विधायक मुकेश नायक पन्ना पहुंचे, और जिसका सिवरिया अमानगंज पन्ना में जोरदार स्वागत हुआ। जनसभाओं में भारी भीड़ उमड़ी और जन जागरण यात्रा के दौरान कांग्रेस नेताओं ने शिवराज सिंह चौहान पर जमकर हमला बोला, और उन्होंने कहा कि किसान यहां मर रहे, हर रोज घोटाले हो रहे हैं, बलात्कार के मामले में प्रदेश अव्वल होता जा रहा है, 40 फीट की ऊंचाई से जनता से नेता और मुख्यमंत्री आशीर्वाद मांग रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं ने बीते दिनों मंत्री कुसुम महदेली द्वारा एक बालक को 1 रुपए मांगने पर लात मारने और मुख्यमंत्री द्वारा पन्ना में पुलिस के कंधे पर सवार होकर नदी पार करने का भी मुद्दा उठाया। आम जनता में बदलाव है, कौन सा वर्ग खुश है, कर्मचारी खुश है, युवा बेरोजगार है, किसान आंदोलित है, एक ही बात, महिलाओं के साथ जितना दुर्व्यवहार है महिलाओं में आक्रोश है, तो कोई वर्ग खुश नहीं है। और जनता इससे ही अंतर लगता है कि हमारी जन जागरण यात्रा और जन आशीर्वाद यात्रा एक तरह जन आशीर्वाद मुख्यमंत्री आशीर्वाद जनता के पैसे से खरीदने निकले हैं, और हम जनता को जन जागरण करने निकले हैं। भीड़ हमारी बिना लाए हुए इतनी होती है, अपने आप इस बात का घोतक है कि सरकार बदल।